फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रेन के ऊपर कोच नंबर लिखे रहते हैं, कोच का नाम लिखा रहता है, अक्सर आपने देखा होगा कि उनके ऊपर ए बी सी डी एफ सी जी एच इस प्रकार से लिखे होते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है, आप किस प्रकार से सही कोच की पहचान कर सकते हैं, इनका नामकरण किस हिसाब से रेलवे ने किया गया है, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके सबको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इंडियन रेलवे में कोच का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। दोस्तों, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि जो फर्स्ट एसी जो रेलवे में अभी है, जिसे हम एसी फर्स्ट टायर कहते हैं, वो दोस्तों रेलवे में बाद में आई थी, इसलिए जब आप देखते होंगे तो रेलवे में जो फर्स्ट एसी है इसका नामकरण बाद में किया गया था। सबसे बड़ी जो रेलवे के अंदर सबसे महंगी जो लग्जरी कोच होता है वो फर्स्ट एसी होता है, लेकिन शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट एसी नहीं आया था। पहले दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्लास चलता था, जिसे एफसी कोच के नाम से जाना जाता था। पहले के ज़माने में जब 70s और 80 का टाइम था, उस समय जो वीआईपी लोग थे या पॉलिटिशियन लोग थे, वो दोस्तों इस प्रकार के कोचेस का इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों उस समय इनका नाम यहाँ पर एफसी हुआ करता था, यानी कि फर्स्ट क्लास। लेकिन अब दोस्तों फर्स्ट क्लास बंद हो चुका है और अब दोस्तों यहाँ पर उसको फर्स्ट एसी के नाम से जाना जाता है। इनका जो नामकरण है वो एच से किया जाता है, यानी कि H1, H2, H3। अब ये H1, H2, H3 क्यों किया जाता है, इसकी कहानी दोस्तों हम जानते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से। तो इंग्लिश अल्फाबेट में हम शुरू करते हैं ए से। तो जब आप ट्रेन के ऊपर कोच के ऊपर A1, A2, A3 इस प्रकार से लिखा पाएंगे, तो दोस्तों आप समझ जाएंगे कि ये सेकंड एसी कोच है, यानी कि एसी टू टायर कोच है। और दोस्तों ये आपके रेलवे के अंदर 54 सीटें यहां पर एवरेज आती हैं। इस जो कोच होता है उसमें दोस्तों यहां पर एक कैबिन के अंदर आपको टोटल जो सीटें मिलती हैं वो दोस्तों यहां पर 6 मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद बी की। तो बी से जो कोचेस बनते हैं वो आपके B1, B2, B3 इस प्रकार के सीक्वेंस में जो कोच होते हैं वो दोस्तों थर्ड एसी होते हैं, जिनको आम तौर पर यहाँ पर AC3 टायर भी कहते हैं। इनमें दोस्तों यहाँ पर 72 सीटें होती हैं। दोस्तों इनमें सीटें स्लीपर क्लास के समकक्ष होती हैं, स्लीपर क्लास में भी 72 सीटें होती हैं, लेकिन इनमें फर्क ये होता है कि थर्ड एसी के अंदर आपको एसी की सुविधा मिल जाती है, लेकिन स्लीपर के अंदर आपको एसी की सुविधा नहीं मिलती है। अब बात करते हैं बी के बाद सी की। तो अगर आप ट्रेन में C1, C2, C3 इस प्रकार के कोच अगर आपको दिखे, तो समझ जाना दोस्तों वो चेयर कार है। और चेयर कार कौन सी दोस्तों, एसी वाली। तो एसी वाली जो चेयर कार होती हैं उन्हें दोस्तों C1, C2, C3 कहा जाता है, यानी कि इन पे सिर्फ आप बैठ सकते हैं, इन पे दोस्तों सोने की सुविधा नहीं होती है। जनरली ये ऐसी ट्रेनों में कोच होते हैं जो डे की ट्रेनें होती है, यानी कि दिन में ही शुरू होती हैं और अपने डेस्टिनेशन पर दिन में ही पहुंच जाती हैं, इसलिए दोस्तों इनमें स्लीपर क्लास की सुविधा नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डी की। तो अगर आप किसी भी कोच में D1, D2 कहीं भी अगर आपको दिखे, तो समझ जाना दोस्तों ये सीटिंग क्लास है, लेकिन ये दोस्तों नॉन एसी है। देखिए, C1 और D1 इन कोचेज में फर्क इतना ही है कि दोनों ही सीटिंग है, दोनों में आपको बैठने की सुविधा मिलती है ट्रेन ट्रेवल के दौरान। लेकिन C1 के अंदर आपको एसी का फायदा मिलता है, लेकिन D1 के अंदर आपको एसी का फायदा नहीं मिलता। यानी कि D1 को एक तरीके से आप जनरल भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जनरल में एक थोड़ा सा फर्क होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं डी के बाद ई की। तो ई जो होता है, ई दोस्तों एग्जीक्यूटिव चेयर कार को दर्शाता है, और एग्जीक्यूटिव जो चेयर कार होती है वो दोस्तों वीआईपी ट्रेन के अंदर होती हैं। जैसे आप देखेंगे तो वंदे भारत जैसी ट्रेन होती है, उनके अंदर आपको ये वाली जो कोच है आपको मिलेंगे, जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव चेयर कार कहते हैं। तो वीआईपी ट्रेन के अंदर जो एसी कोचेस होते हैं, वीआईपी क्लासेस, उन्हें हम एग्जीक्यूटिव चेयर कार कहते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको 56 सीटें नॉर्मल देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों ई के बाद हम आते हैं एफसी पर। तो दोस्तों एफसी का मतलब पहले के टाइम में फर्स्ट क्लास हुआ करता था, जब फर्स्ट एसी नहीं चलता था, इसलिए उस टाइम पे दोस्तों इनका नाम यहाँ पर फर्स्ट क्लास एफसी कहा जाता था। और उस समय जो वीआईपी लोग थे या जो पॉलिटिशियन लोग थे, वो फर्स्ट क्लास
टिकट से यात्रा करते थे, लेकिन अब फर्स्ट क्लास जो टिकट है वो इस समय बंद है। अब दोस्तों फर्स्ट एसी इनको कहा जाता है। एफ हो गया। एफ के बाद दोस्तों यहां पर नाम आता है जी। जी से दोस्तों दो चीजें बनती हैं, एक आपका G1, G2, G3 इस प्रकार के कोचेज जो होते हैं वो दोस्तों गरीब रथ जो ट्रेन होती है उसके अंदर होते हैं। गरीब रथ एक पूरी तरह से थर्ड एसी की ट्रेन होती है जिसमें दोस्तों आपको रियायती दर पर टिकट अवेलेबल होता है। इसमें दोस्तों कोचों का नाम G1, G2, G3 इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से जी से दोस्तों जनरल भी बनता है। कई कोचों में आप जनरल देखेंगे GEN लिखा होगा, तो वो सारे कोचेज अनरिजर्व होते हैं और सबसे सस्ता किराया दोस्तों इनका ही होता है। जी के बाद दोस्तों फिर बचाई क्या, तो बचा दोस्तों एच। इसलिए जो फर्स्ट एसी जो है, फर्स्ट एसी का नाम यहाँ पर एच से शुरू हुआ क्योंकि फर्स्ट एसी बाद में यहाँ पर आई, तो फर्स्ट एसी के नॉमिनेशन के लिए केवल एच वर्ड ही बचा। इसलिए दोस्तों जब भी आप ट्रेन के अंदर देखेंगे H1, H2 ये दोस्तों आपके फर्स्ट एसी को दर्शाते हैं, यानी कि एसी फर्स्ट टायर को। अब यहाँ पर इसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्लीपर क्लासेस के ऊपर। जब आप किसी ट्रेन के ऊपर S1, S2 लिखे हुए देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये जो ट्रेन है उसमें ये कोच स्लीपर क्लास का है। इसमें दोस्तों आपको 72 सीटें नॉर्मली देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों एक कैबिन के अंदर 8 सीटें होती हैं, 6 सीटें एक तरफ और 2 सीटें एक तरफ। इनमें दोस्तों आप बैठ तो सकते ही हैं, साथ साथ सो भी सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये रेलवे के अंदर रियायती दर पर आपको सीटिंग सोने के लिए जो सबसे कम पैसे में जो सीट अवेलेबल होती है वो दोस्तों स्लीपर ही यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, आपने देखा होगा ट्रेनों के अंदर और भी बहुत सारे कोचेज होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा DL1 और DL2। तो दोस्तों DL1 और DL2 एक तरीके से रेलवे के अंदर जो लगेज कोच होते हैं उनको दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है। दोस्तों DL1 नॉर्मली जो आपका लोकोमोटिव होता है, इनके ट्रेन का इंजन होता है, उसके जस्ट पीछे स्थित होता है। और DL2 दोस्तों होता है वो ट्रेन का गार्ड होता है, ट्रेन मैनेजर होता है, उसके जस्ट पास यहाँ पर स्थित होता है। इनमें दोस्तों रेल मुख्यतः आप लगेज लेके जा सकते हो, या रेलवे भी अगर कोई लगेज भेजता है तो दोस्तों वो DL1 या DL2 के माध्यम से यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पर एक कोच देखा होगा जिसपे मोटे मोटे अक्षरों में SLR लिखा होता है। SLR का मतलब होता है सीटिंग कम लगेज वैन रेक। दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये आधा कोच गार्ड के लिए बुक होता है और आधा जो कोच होता है उसमें दोस्तों यहाँ पर हैंडीकैप लेडीज और यहाँ पर लगेज सामान का यहाँ पर इसमें सिस्टम बना होता है। यानी कि ये मिक्स कोच होता है जिसमें आधा कोच ट्रेन के गार्ड के लिए होता है, इसमें कुछ हिस्सा जो हैंडीकैप्ड या महिलाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए होता है, और इसमें लगेज का प्रावधान भी होता है। ये दोस्तों हम SLR बोलते हैं। नॉर्मली यह भी दोस्तों जो ट्रेन का मैनेजर है यानी कि गार्ड उसके पास स्थित होता है, और एक दोस्तों आगे इंजन होता है या पावर होता है उसके जस्ट पीछे यहाँ पर स्थित होता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेन में एक और कोच होता है जिसे हम PC बोलते हैं, पेंट्री कार बोलते हैं। दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन कोई फूड ऑर्डर करते हो ट्रेन के द्वारा तो आपको जो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, खाने पीने की चीज़ें या पानी वगैरह, वो सारी चीज़ें दोस्तों पेंट्री कार से यहाँ पर आती हैं। इसे चलती फिरती किचन के नाम से भी जाना जाता है या डाइनिंग कार के नाम से जाना जाता है। ट्रेन से आप जो भी चीज़ ऑर्डर करते हो वो दोस्तों आपको पेंट्री कार से बनकर आती है और आप यहाँ पर खाना सर्व कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। जनरली आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आपको कोचेज मिलेंगे जिन पर HA1, HA2 लिखा होता है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि यह जो कोच है वो आधा सेकंड एसी है और आधा फर्स्ट एसी है, यानी कि हाफ सेकंड टायर एसी एंड हाफ फर्स्ट एसी टायर, इसका ये मतलब होता है। इसके अलावा आपने कई कोचेज ऐसे देखे होंगे जहाँ पर BE1, BE2 इस प्रकार से आपने यहां पर नाम देखे होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि ये जो कोच है वो होने को तो थर्ड एसी है, यानी कि AC 3 टायर है, लेकिन दोस्तों इसमें फर्क ये है कि इनमें दोस्तों एक्स्ट्रा कोचेस जब लगाए जाते हैं, मान लीजिए कि AC के अंदर बहुत सारी बुकिंग आ रही है थर्ड AC के अंदर, तो अगर रेलवे टेम्परेरी बेसिस पर कोई कोच यहाँ पर वृद्धि कर देती है तो उन्हें एक्स्ट्रा कोचेस के अंदर गिना जाता है। तो BE1, VE2 का मतलब होता है कि AC थर्ड टायर है, यानी कि थर्ड AC के कोच है लेकिन वो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। इसी प्रकार से जब आप स्लीपर के अंदर SE1 और SE2 देखो तो समझ जाना कि स्लीपर क्लास है लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कोचेज यहाँ पर लगाए जाते हैं।
इसी प्रकार से आपने दोस्तों यहाँ पर 3E नाम से कोचेज भी देखे होंगे, 3E1, 3E2, दोस्तों ये AC ही होते हैं, थर्ड AC ही होते हैं, लेकिन इनमें दोस्तों किराया थोड़ा सा यहाँ पर कम होता है और सीटों की संख्या थर्ड AC से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि इनके अंदर दोस्तों आपको थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम मिलता है, बाकी दोस्तों ये थर्ड AC ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और यहाँ पर चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। हम आपको फर्स्ट AC के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देते हैं। देखिए फर्स्ट AC जो होता है उसके अंदर दोस्तों आपको केबिन की व्यवस्था मिल जाती है। अगर आपको हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत है, प्राइवेट केबिन की ज़रूरत है, तो फर्स्ट AC के अंदर आपको दो के रूप में यानी कपल के रूप में या फिर चार का एक केबिन आपको मिल सकता है। और इसमें दोस्तों आप जो है आपके जो पेट्स है यानी कि जानवर हैं जैसे कुत्ता हुआ बिल्ली हुआ इनको दोस्तों लेके जा सकते हैं। इसमें दोस्तों हाईली सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा प्राइवेसी इसमें सबसे ज़्यादा होती है, कोई आपके अलावा आ नहीं सकता क्योंकि आप इसको अंदर से भी लॉक कर सकते हो। इसलिए अगर आपको कोई महंगी आइटम लेके जाना है या आपके जानवर लेके जाने हैं इसके अंदर पालतू जानवर, तो दोस्तों आप फर्स्ट AC के अंदर लेके जाते हैं। बाकी इसके अंदर किराया सबसे ज़्यादा होता है। बाकी देखिए हमने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर सटीक देने का प्रयास किया है, बाकी कोई कमी रह गई है आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार से कोई डाउट है इन चीज़ों में आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग।